स्नेह परमेश्वर संचारी विश्वास के बारे में परमेश्वर अपने सपा और अपने सपा के विषय और हम अभिषेक का कार्यक्रम के विषय को विषय और ये हम मेरे प्रभु तो हमारे द्वारा बात धन्यवाद के समय के लिए विष्णु जी के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। लुका के 18वां अध्याय 10वीं पंक्ति से लेकर हम देखेंगे लुका का 18वां अध्याय लूक चैप्टर 18 वर्स 10 ऑनवर्ड। यहाँ पर ऐसा लिखा है, ध्यान से सुनिएगा। जो व्यक्ति मंदिर में प्रार्थना करने गए उनमें से एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर स्वयं से इस प्रकार प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ कि मैं अन्य लोगों के समान ठग, अन्यायी व व्यभिचारी नहीं हूँ, न इस चुंगी लेने वाले के समान ही हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास रखता हूँ और जो कुछ मुझे मिलता है उसका 10वां अंश मुझे देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाला कुछ दूर खड़ा था, उसने स्वर्ग की ओर अपनी आंखें उठाना भी ना चाहा, परंतु छाती पीटते हुए कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुझसे सच कहता हूँ कि यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, ना कि वह अन्य। तो यहाँ पे हम देखें कि 2 मनुष्य है और दोनों मनुष्य मंदिर में गए और उसमें से एक मनुष्य जो है धर्मी, एक मनुष्य परिचित था और दूसरा चुंगी लेने वाला था। चुंगी लेने वाला यानी कि जो हफ्ता उठाता है टैक्स कलेक्टर से होते, तो चुंगी लेने वाला था दूसरा और एक था परिचय। तो जब वो लोग दोनों मंदिर में थे तो परिचित वो उठकर खड़ा होकर उसने कहा कि हे परमेश्वर, परमेश्वर को धन्यवाद देता है और कहता है कि हे परमेश्वर, मैं बाकी लोगों के समान ठग नहीं हूँ, मैं बाकी लोगों के समान व्यभिचारी नहीं हूँ और मैं अच्छा काम करता हूँ, मैं दशमांश देता हूँ, मैं उपवास रखता हूँ और मैं इस चुंगी लेने वाले के समान भी नहीं हूँ। लेकिन चुंगी लेने वाला ने क्या कहा कि उसने अपना सर को भी उठाना ना चाहा परमेश्वर के सामने, तो बस अपने छाती पीट कर कहा कि उस पापी पर दया कर। और यीशु मसीह कहते हैं कि वो व्यक्ति धर्मी ठहरा कर वो कह रहे हैं। तो कल हम लोग ऑफिस कर रहे थे, ऑफिस कर रहे, कल नहीं गए हफ्ते, तो हम ऑफिस कर रहे थे और हम जिस चौल में जा रहे थे और तामिक चौल है वहाँ पे हम गए ऑफिस कर रहे थे, लोगों से मिल रहे थे। तो जैसे आगे बढ़ते गए वैसे रास्ता ख़त्म हो गया और उस रास्ते वहाँ पे एक मंदिर बना रहे थे और उसी मंदिर के बाजू में एक इंसान एक झोपड़ी में था और उसके उस झोपड़ी के अंदर एक छोटी सी मूर्ति थी और वो इंसान वहाँ पे बैठा हुआ था। तब पास्टर ने उन्हें पूछा कि क्या करते हो आप, तो उन्होंने कहा कि मैं मंदिर का पुजारी हूँ। तब पास्टर ने पूछा, मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, और उसने कहा कि पूछो। पास्टर ने पूछा, तुम्हें क्या लगता है कि यदि तुम्हें कुछ कल कुछ हो अगर तो तुम मरो तो तुम कहाँ पे जाओ। तब वो पुजारी ने पहले तो उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता, लेकिन फिर उसने कहा कि मैं स्वर्ग जाऊँगा। और पास्टर ने पूछा, तुम स्वर्ग क्यों जाओगे, क्योंकि मैं पुजारी हूँ, उसने कहा। तो कई बार मनुष्य इसी तरीके से परमेश्वर के पास जाने की कोशिश करता है। आज हम देखते हैं दुनिया में लोग सब अच्छे कामों के पीछे पड़े हुए हैं। जैसा ये परिचित था, परिचित अपने आप को परमेश्वर के सामने जाकर कहता कि हे परमेश्वर, मैं ढोंगी नहीं हूँ, मैं ठग नहीं हूँ, मैं किसी का चोरी नहीं करता या फिर मैं व्यभिचारी भी नहीं हूँ, लेकिन मैं दशमांश देता हूँ। मेरे जो भी कमाता हूँ सब कुछ मैं तेरे सामने ला के रखता हूँ, सब दशमांश तेरे सामने ला के रखता हूँ और मैं उपवास रखता हूँ। तो कई बार मनुष्य अपने कर्मों के वजह से परमेश्वर को खुश करने की कोशिश करते हैं और परमेश्वर की धार्मिकता वो बाहरी रूप से अपना धार्मिकता दिखाते, लेकिन मन में उनका कड़वाहट रहता है और वो बाजू में जो लोग हैं उससे कहता है कि मैं किसके समान नहीं हूँ, मैं लोगों के समान नहीं हूँ। वो अपने आप को परमेश्वर के सामने अपने कर्मों के वजह से धर्मी ठहराने की कोशिश करते हैं। लेकिन बाइबल बताती है कि मनुष्य का कर्म, मनुष्य का जो भी कार्य है
परमेश्वर के सामने ले धर्मी नहीं ठहरा सकता। और जो दूसरा मनुष्य था वो अपने मन के खराई में परमेश्वर के पास जाके कहा कि हे परमेश्वर मुझे माफ करो, और परमेश्वर ने उसे धर्मी ठहराया। पुराने नियम में हम देखते हैं, पुराने नियम में देव व्यवस्था के पुस्तक में वहाँ पे परमेश्वर ने सवाल ये कि हम कैसे धर्मी ठहर सकते हैं। ओके, पुराने नियम में आप देख सकते हैं कि लोग मंदिर में महायज्ञ हुआ करता था, और लोग क्या करते थे, अपने पापों के प्रायश्चित के लिए दो मेमने लेके जाते थे। दो मेमने जो कि जिसमें कुछ खराबी नहीं है, जो अच्छा है, अच्छा खासा है, ऐसा मेमने चुनते थे अपने बगार में से, और वो उन दोनों मेमने को लेकर जाते थे। और एक उसमें से एक जो मेमना रहता था वो बलि के लिए रहता था, और एक जो दूसरा जो मेमना रहता था वो उसके पाप को बोला जाता था और उसे उजाड़ स्थान में छोड़ देते थे। तो जब लोग उन दो मेमने को महायाजक के पास लेके जाते थे, तब वो महायाजक चिट्ठे पे मतलब चिट्ठा फेंकता था, और जिसका नाम उस जिस मेमने का मतलब जिस मेमने का बलि देने का इसमें आया है तो उसको लेकर जाके बलि देते थे, और दूसरे के ऊपर पाप को कबूल करके उसे उजाड़ स्थान में छोड़ देते थे। तो यहाँ पे एक चित्र है, और ये चित्र है यीशु मसीह का, और मतलब वो ये दर्शाता है कि यीशु मसीह आएगा और वो हमारे पाप को स्वीकार कर मतलब वो हमारे पापों को अपने ऊपर लेगा, और वो हमारे पापों को हमेशा के लिए दूर करेगा। जो मेमना इसे उजाड़ स्थान में छोड़ देते थे वो मेमना कभी वापस नहीं आता। कभी हम सोचते कि मतलब लोग सोचते होंगे कि वो मेमना वापस आता होगा क्योंकि उसे छोड़ दिया है, लेकिन वो वापस अपनी जगह पर आता था। लेकिन नहीं, जिसे वो छोड़ दिया है, जिस मेमने को उजाड़ स्थान में जाकर छोड़ देते थे वो कभी वापस नहीं आता था, क्योंकि वो हमेशा के लिए चला गया। इसी तरीके से हम भी है, क्योंकि परमेश्वर का चित्र है, यीशु मसीह का चित्र है कि वो स्वयं हमारे लिए आया, उसने अपना लहू बहाया। हम देखते कि पुराने नियम में वो जो बलि देता था उसका लहू उस वेदी में जाकर चढ़ाते थे ताकि उस लहू के द्वारा लोगों के पाप खाते जाए। लेकिन यीशु मसीह का लहू उस लहू से बढ़कर है। यीशु मसीह का लहू जो है वो हमारे पापों को ना ही सिर्फ ढांकता है लेकिन उसे पूरी तरीके से निकाल देता है। तो और दूसरा चित्र जो हमने देखा है कि जो इस मेमने के ऊपर लोग पाप कबूल करते थे और उसे जो उजाड़ स्थान में छोड़ देते थे वो कभी वापस नहीं आता था, उसी तरीके से यीशु मसीह ने हमारे पापों को दिया अपने ऊपर, और उसने हमारे पापों को पूर्व से लेकर पश्चिम जितना दूर है यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुम्हारे पापों को इतना दूर किया है, और वो हमारे पापों को स्मरण नहीं करता। तो परमेश्वर हमारे पापों को याद नहीं करता, क्योंकि उसने ना ही सिर्फ हमारे पापों को उसने हमारे पापों को ढाता नहीं है, लेकिन उसने हमारे पापों को पूरी तरीके से मिटाया है। तो हम यीशु मसीह के लहू के कारण हम धर्मी ठहराए जाते हैं। आज हम इस दुनिया में आज हम विश्वासी है, लेकिन कई बार विश्वासी होने के बावजूद हम गिरते हैं, क्योंकि हम मनुष्य है। हम मनुष्य होने के कारण हम पाप में गिर जाते हैं, और शैतान भी है इस दुनिया में, और शैतान और इसी तरीके से संसार हमें लालसा में फंसाते हैं और हम गिर जाते हैं। लेकिन जब हम गिर जाते हैं तब हमें क्या करना है? क्या हमें उस ग्लानी में रहना है? नहीं, यीशु मसीह ने हमारे ग्लानी जो हमारा पाप और हमारा ग्लानी हमेशा के लिए दूर कर दिया है। लेकिन कई बार हम ग्लानी में जीते, कई बार जब हम गलती करते हैं तो हम सोचते हैं कि नहीं, मैंने गलत किया है, मैं परमेश्वर के सामने कैसे जाऊँ, उसने तो मेरे पापों को माफ़ किया, लेकिन फिर भी ये पाप मेरे साथ बारम्बार हो रहा है, फिर भी मैं बार बार मैं उस चीज में गिरता जा रहा हूँ। तो किस तरीके से हम उस पाप से माफी पा सके? हम एक चीज जानते हैं कि जब यीशु मसीह ने हमारे पाप का भुगतान किया तो उसने पूरी तरीके से हमें माफ कर दिया। लेकिन एक और चीज है कि जब भी हम गिरते हैं तब भी बार बार हमें उस लहू को अपने हृदय में लगाना जरूरी है। तो जब हम उस लहू को विश्वास के साथ अपने हृदय में लेते हैं, अपने मन के खराई में, जैसा उस मनुष्य ने जो कि वो चुंगी लेने वाला था, हाँ वो पापी था, लेकिन वो अपने मन की खराई में परमेश्वर के पास गया और विश्वास के साथ उसने परमेश्वर से दया मांगी और परमेश्वर ने उसे माफ किया। उसी तरीके से हम अपने मन के खराई में परमेश्वर के पास जाते हैं और परमेश्वर हमें
हमारे पापों से, हमारे ग्लानि से हमें माफ कर देता है। परमेश्वर ने हमें एक बार माफ कर दिया है और पूरी तरीके से उसने जो कार्य किया है वो संपूर्ण कार्य किया है। लेकिन जो ग्लानि है उसे वो हम जब परमेश्वर के पास जाते हैं और अपने मन के खराई से मांगते हैं तो परमेश्वर उस ग्लानि से हमें माफ कर देता है, हमें मतलब हटा देता है। और एक चीज़ है कि दूसरी कुरिन्थियों का 5:17 में लिखा है कि हम मसीह में नई सृष्टि है, पुरानी चीजें बीत गई है लेकिन हम मसीह में नई सृष्टि है और हम वाकई में मसीह में नई सृष्टि है। और हमें ये वास्तविकता, ये स्थान हमें जानना जरूरी है, क्योंकि जब भी हम हम दुनिया में गिरेंगे, हम पाप में गिरेंगे, लेकिन ये स्थान हमें जानना जरूरी है कि हम मसीह में धर्मी है, यीशु मसीह में हम धर्मी है और हम मसीह में नई सृष्टि है। पुरानी बातें बीत गई है, हमारा जो पुराना चीज है वो सब क्रूस में चला गया है। हम ये नहीं कह सकते कि हम हार गए हैं, हम असफल हैं, क्योंकि मसीह यीशु मसीह असफल नहीं था। दुनिया के सामने वो असफल रहा, दुनिया के नज़रों के सामने यीशु मसीह असफल इसलिए है क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि यीशु मसीह ने जो कार्य किया वो मूर्खता का कार्य है। लेकिन हमें यीशु मसीह असफल नहीं है और हम भी असफल नहीं है, हम भी विजयी हैं। और क्योंकि यीशु मसीह ने अपने लहू के द्वारा सारी चीज़ों का उसने भुगतान किया है और सारे जड़ जो है समस्या का जड़ का उसने वो हटा दिया है। तो इसी तरीके से जैसा हम कंपेयर नहीं करते लोगों से, जैसा उस परिसियों ने कंपेयर किया कि हम दूसरों के साथ कंपेयर नहीं करते, लेकिन एक चीज़ है कि हम अपने मन की खराई में परमेश्वर के पास जाते हैं और वो जो लहू है, जो लहू यीशु मसीह ने उस पर बहाया है, उस लहू को हम अपने हृदय में लगाते हैं। हम गिरते हैं, लेकिन गिरना सिर्फ गिरे ही रहना ये सबसे बड़ी असफलता है। हम असमर्थ है, हम गिर जाते हैं, लेकिन अगर उस समस्या में हम गिरे रहे तो ये सबसे बड़ी असफलता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें लहू को लगाना है अपने मन में विश्वास के साथ और हमें उठना है और मसीह हमारे द्वारा करें। धन्यवाद देते परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर कि तुमने हमें धर्मी ठहराया है परमेश्वर। और हमारी धार्मिकता हमारे कार्यों के ऊपर नहीं है परमेश्वर, हमारी धार्मिकता तेरे कार्यों के ऊपर है और प्रभु तू कभी असफल नहीं होता और हम तेरे सफलता के ऊपर निर्भर है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, हम प्रार्थना करना चाहते कि आगे का समय रखते हैं परमेश्वर को हमसे बात करना। क्यों नहीं सब लोग एक बार